वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल साई आयुर्वेद भवन। साई आयुर्वेद भवन में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉप इज अनु तेल। आज मैं इस वीडियो में आपको अनु तेल के बारे में सभी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसे आपको कैसे यूज करना है, इसकी क्या प्राइस है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, सभी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो दैट इज कॉल्ड अनु तेल। सबसे पहले मैं दिखा दूं अनु तेल दिखती कैसी है। ये देखिए अनु तेल एक छोटे से डब्बे में आती है, इस तरह की इसकी पिक्चराइजेशन है। और ये व्यास कंपनी की है, लेकिन मैं बता दूं मेरे पास व्यास कंपनी की, इसलिए मैं इसकी रिव्यू कर रही हूं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां इसे बनाती है, आप किसी की भी ले सकते हैं और किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अनु तेल इसे आप निकालेंगे तो इस तरह छोटे से डब्बे में आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, अनु तेल के बेनिफिट्स क्या क्या है। अनु तेल एक्चुअली ये देखिए आपके फेशियल यानी कि आपके जो माउथ है उससे लेकर के ऊपर सर तक कोई भी अगर परेशानी है तो उसे ये बिल्कुल क्योर करती है। तो आपके मुंह से लेकर के ऊपर के सिर तक में जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उस सारे में ये इफेक्टिव है। इसकी एक ही यूज नहीं है, ये मल्टीपर्पज है। यानी कि ये तेल तो एक है लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। कोई भी बेनिफिट इसके हैं, सबसे पहले जबरदस्त जो बेनिफिट इसका है वो है ये आपके पूरे नर्व्स को जो है वो प्यूरिफाई करती है, क्लियर करती है, और आपके नर्व्स को कोई भी आपके नर्व्स में जो कमी है उसे पूरी करती है। ये नेजल के लिए बहुत जबरदस्त एक औषधि आप इसे कह सकते हैं। ये तेल है लेकिन ये औषधि का काम करती है। नेजल में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपके नाक संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे कि अगर आपकी नाक एनी टाइम बंद रहती है या तो आपके नाक की हड्डी बढ़ गई है जो एक बहुत बड़ी समस्या होती है जिसके लिए लोग ऑपरेशन तक के लिए चले जाते हैं, तो उस केस में भी जो है ये बहुत ज़बरदस्त फायदा देती है। अगर आपकी नाक बहते रहती है, किसी भी तरह का लिक्विड उसमें से जाता है, बहुत बार ये होता है कि मेडिसिन लेते हैं लेकिन क्योर नहीं हो पाती है, तो उसमें भी ये अनु तेल जो है बहुत ज़्यादा फायदा देती है। अगर आपके नाक में म्यूकस हो गई है, बहुत ज़्यादा डस्ट भर गया है, उसके शुद्धिकरण में भी जो है ये बहुत ज़्यादा अनु तेल फायदेमंद है। और जो है अगर आपकी नाक एनी टाइम जाम रहती है, आप कुछ सूंघने की शक्ति जो है आपकी कम हो जाती है, आप कुछ महसूस नहीं कर पाते हैं कौन सा फ्लेवर है, इस तरह की अगर समस्या है, कोई भी समस्या हो, नोज रिलेटेड कोई भी समस्या हो, ये बहुत ज़बरदस्त उसमें काम करती है। और जो है नाक से जो है ये पूरे नर्व्स को जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आगे मैं बताऊंगी इसे यूज़ कैसे करना है। एक्चुअली कोई भी तेल जो होता है नॉर्मल तेल, वो क्या करती है कि वो ऊपरी, आप जब उसे ऊपर से डालते हैं तो ये सिर्फ ऊपर से काम करती है, लेकिन ये जो है आपके नर्व्स में जाके अंदर से इसके पूरे अंदर से उसको क्लेरिफाई करके पूरा शुद्धिकरण करती है। जैसा कि आयुर्वेद में हम कहते हैं कि ये पंचकर्मा में भी बहुत काम आती है, और ये नसों के शुद्धिकरण जो है उसमें भी ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। तो नाक से लेकर के सिर तक के नसों को ये 100% खोल देती है और सारे सेंस ऑर्गन्स को जो है ये ठीक कर देती है। तो और भी जो है इसके अगर आई रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको है, अगर आई में इन्फेक्शन हो जाती है बार बार, तो उसे भी ये जो है ठीक करती है, क्योंकि नाक की जो हमारी नर्व्स होती है वो आई से भी कनेक्टेड होती है। तो जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आपके नसें जैसे जैसे खुलती है, आपके नसों को मॉइस्चराइजेशन मिलती है, तो आपकी आंखों की रिलेटेड समस्या भी जो है वो ठीक होने लगती है। और भी जो इसके है, जैसे कि अगर सिर में दर्द किसी को हमेशा रहती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो रोज़ सिर दर्द से परेशान रहते हैं और दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें भी ये अनु तेल बहुत ज़बरदस्त फायदा देती है। क्योंकि ये नाक के नेजल के थ्रू जो है वेंस हमारे सिर पे भी जाती है और उसे ये डायरेक्ट मॉइस्चराइज करती है और उनकी कमी को पूरी करती है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उसे भी ये क्लियरेंस देती है, तो वो धीरे धीरे आपकी समस्या जो है वो ठीक होने लगती है, माइग्रेन की समस्या भी ये ठीक कर देती है। और जो है हमारे जो है सिर फोर हेड से ऊपर जो है क्या होती है कि बहुत बार हमारी स्किन स्कैल्प जो है वो ड्राई हो जाती है, यानी कि बहुत शुष्क हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कई बार
परेशानी होती है कि जैसे मौसम चेंज होता है तो आपके नोज से जो है ब्लड आने लगती है, नाकों से जो है ब्लड आने लगती है, ये भी एक बहुत कॉमन समस्या है, लोग घबरा जाते हैं। तो उस केस में भी ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये आपके स्कैल्प तक पहुंचती है और उसे नरिश करती है, मॉइस्चराइज करती है, जो धीरे धीरे जो है आपकी ये जब आपकी नसें खुली रहती हैं और मॉइस्चराइज रहती हैं तो जो है आपकी ये समस्या भी दूर हो जाती है। ईयर्स में भी, ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम में भी ये काम करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे सेंस, मुंह के ऊपर के जितने सेंस ऑर्गन्स हैं सबको ये खोलती है, ये एक एक नस में पहुंचती है और उसकी शुद्धिकरण करती है। तो ये एक जबरदस्त जो है आयुर्वेदिक औषधि है, तेल है, जो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक तेल के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। और आइए बता देते हैं कि ये इतने सारे प्रॉब्लम्स में कैसे लड़ती है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, इसकी जानकारी मैं आपको थोड़ी सी दे दूं। तो इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट डाला गया है वो है श्वेत चंदन, जो आयुर्वेद में एक अपने आप में औषधि मानी गई है। और जो इसमें डाली गई है वो है अगर, तीसरी जो है वो है तेजपत्र, दारू हरिद्रा, मुलेठी, बालामुला, और इसमें छोटी इलायची, वैविदंगा, बेलपत्र, कमल फूल, नेत्रबाला, खश, दालचीनी, नागामोथा, अनंतमूला, सल्फरानी और देवदारू, सतावरी, रेणुका, आजशीर, तिल तेल और भी इस तरह की बहुत सारी जड़ी बूटियों से इसे तैयार किया गया है। करीबन 18 जड़ी बूटियों के मिश्रण से इसे बनाया गया है जो 100% नेचुरल है। ये आपको सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देती है, जहाँ तक की है ये आपके सारे सेंस ऑर्गन को और आपके पूरे नसों को जो है शुद्धिकरण करती है, क्लैरिफाई करती है और मजबूती देती है। क्योंकि इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो 100% नेचुरल है, आयुर्वेदिक है और इससे कोई परेशानी आपको नहीं होती। और भी एक बात मैं आपको बता दूँ, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो भी आम प्रोसेसिंग नहीं है। जब इस सारे चीज़ों के मिश्रण को निकाला जाता है उसके बाद इसमें जो वाटर यूज़ होता है वो भी कोई नॉर्मल वाटर नहीं होती है, वो हम रेन वाटर को स्टोर करते हैं जब वो धरती पे नहीं गिरती, उससे पहले ही एक कंटेनर में उसे स्टोर करके उसके बाद उसके वेपोराइजेशन किया जाता है, उसके बाद उसका काढ़ा जो बनता है उसको इसमें ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है उसमें मिलाया जाता है। तो ये बहुत स्पेशल तरीके से इसे बनाया जाता है, इसलिए ये जबरदस्त फायदेमंद एक तेल है, औषधि है, जिसे हम बहुत प्रीशियसली जो है ये आयुर्वेद में से बनाया जाता है। और ये फायदा भी जो है हर किसी को, जो भी प्रॉब्लम हो ये इन सब से रिलेटेड, उन्हें जबरदस्त फायदा देती है। तो ये जो है अपने आप में बहुत अच्छी एक औषधि है। लेकिन हाँ, एक बात और मैं बता दूँ, अब कोई वेंटिलेशन में है, सीरियसली है, उन्हें अब ऑक्सीजन चल रही है और एस्थमेटिक है, तो उस केस में अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं 2-4 दिन इसे दे दूँ और वो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको पहले से ही जो है, अगर आपकी प्रॉब्लम जब सामान्य है तभी से इसे इस्तेमाल करना है और रेगुलरली करना है, तो आपको वेंटिलेशन तक की नौबत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो ये चीज़ है कि इसे आपको नियमित रूप से इस्तेमाल करना है और जब प्रॉब्लम नॉर्मल है तभी से यूज़ करना है। और बात है कि ये 100% काम करती है, जड़ों से आपकी प्रॉब्लम को ठीक करती है, ना कि ऊपरी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और फिर दोबारा आती है। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और थोड़ी सी पेशेंसफुली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो जिनकी समस्या थोड़ी कम है उनको तो 3-4 दिन में ही जो है फर्क महसूस होगा और ख़त्म होने भी लगेगी समस्या थोड़ी दिन में, और जिनकी प्रॉब्लम पुरानी है उनको जो है 7-15 दिन में ही फर्क महसूस होगा और उनकी भी जो समस्या है वो धीरे धीरे, थोड़ी टाइम लगेगी लेकिन धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये थे इसके बारे में सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब मैं बता दूँ इसे लेना कैसे है। ये देखिए, अनु तेल के साथ ही आपको एक ड्रॉपर मिलती है। इस ड्रॉपर के सहायते से आप जो है पहली नाक जो है लेफ्ट में या राइट में 5-6 बूंदे आप ले लें और दूसरे नाक से जो है दूसरे साइड से आप उसे खींचे, खींच के अंदर ले जाए, जितना आप खींच सकते हैं उतना खींचे अंदर ले जाए। फिर दूसरे वाले से भी अपोजिट में भी आप यही चीज करें, उसमें भी डालें और फिर खींचे। और इस प्रक्रिया में अगर तेल आपके मुंह में आ जाती है तो आप उसे आउट कर दें और हल्के गुनगुने पानी से अपने मुंह को वॉश कर लें। ऐसा अब
5 मिनट तक सुबह और 5 मिनट शाम करें, दो बार आप करें, इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। पूरे नसों की शुद्धिकरण आपकी इसमें हो जाएगी, इस प्रक्रिया में, जो बहुत फायदेमंद है। तो ये थे इसके यूज करने के तरीके। अब मैं इसके प्राइस के बारे में बता दूं आपको। इसकी जो प्राइस है वो है 125 रुपये इसकी MRP है, यानी कि 125 रुपये इसके MRP है, आप देख सकते हैं। और ये तेल जो है ये हमारे यहाँ भी उपलब्ध है, और नहीं तो किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक दुकान में आपको ये तेल आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि बहुत प्रचलित तेल है और बहुत इफेक्टफुल भी है। और अगर किसी की समस्या बहुत ज़्यादा है तो वो किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ले लें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें तो और बेहतर है। और नहीं तो नॉर्मली कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। होप मेरा वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे भी मैं बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन के रिव्यू आपके लिए लाने वाली हूँ, जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी और आपके हेल्थ रिलेटेड होंगी। तो आप जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, बाय।